हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जनाब। तो साहब गरीब अधिवक्ता और वक्ता की इज्जत बच गई। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नतीजा ऑर्डर आने से पहले मैंने एक मिनट 40 सेकंड का ये वीडियो लगभग नतीजा आने से ऑर्डर आने से 3 घंटा पहले डाल दिया था। अगर नहीं देगा तो आई विल कंसीड कि मैं इस इनके फैक्ट्स को जो इस केस के फैक्ट्स हैं और न्यायालय के माइंड को शायद पहली बार रीड नहीं कर पाया, पर मेरी लीगल एंड गट फीलिंग है वो देगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसके बीच में कम से कम इस मुकदमे में नहीं आता है, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये लड़ाई अनैतिकता और नैतिकता की नहीं, ये नैतिकता और मूर्खता की लड़ाई है। तो पूरे देश को लाख लाख बधाई, 5 हिंदू बहनों को लाख लाख बधाई, विष्णु जैन भाई को लाख लाख बधाई। और यार ये मत कहा करो कि मैं हिंदू का पक्ष देता हूँ या हिंदू का पक्ष करता हूँ, ये कभी मत कहना यार। ना मैं हिंदू का पक्ष लेता हूँ, ना मैं मुसलमान के विपक्ष में रहता हूँ यार। मैं तो सत्यता, ईमान, नैतिकता, अच्छी साफ नीयत के पक्ष में रहता हूँ। हिंदू भाइयों बहनों, तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे समर्थन में बोलता हूँ, मेरे क्या औकात जो इतने बड़े सनातन धर्म के समर्थन में मैं बोलूँ। मैं तो सत्य के समर्थन में बोलता हूँ, जो कुछ को लगता है मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ, और कुछ जाहिलों को लगता है मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। खिलाफ मैं सिर्फ गंदी नीयत के बोलता हूँ। और हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, जो हम लोग चिलिंग सच पॉकेट फिल्म्स ला रहे थे, ये भी मेरी बदकिस्मती मानी है। आई क्रिएटेड एन एम्बैरेसमेंट फॉर माई सेल्फ कि मैंने ये जो फ्लोट किया कि आप लोगो बना के दीजिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। आपने पता नहीं 250-300 लोगो हमने रिसीव करे। एक हमने अपने आप ही को क्राइसिस में डाल दिया, तय ही नहीं कर पा रहे 3-4 दिन से कि किसको फाइनल करें। फिर सोचते 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 विद ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू लव, ड्यू अपॉलजी टू ऑल द पीपल हु टुक पेन्स फॉर माय वन अनाउंसमेंट, एंड आई न्यू इट वाज नॉट फॉर ए मेयर 2100 रुपीज, इट वाज योर लव फॉर मी। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे लोगोस भेजे, बट एंड में वन हैज टू प्रिवेल। एंड फाइनली शॉर्टलिस्ट करते 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 द वन मेड बाय मिस्टर सुमित चक्रवर्ती ऑफ नोएडा, प्लीज सेंड द डिटेल्स, इट वॉज सो नाइस of all of you, लेकिन it is an embarrassment for me कि इतने अच्छे अच्छे आए और हमें उनमें से unfortunately एक ही को choose करना पड़ रहा है। आज हमारी पहली movie की shoot शुरू होने जा रही है। मात्र 3.5 मिनट में एक ज्वलंत मुद्दे को मैं कवर करूंगा। इट विल बी अ ग्लोबल प्रीमियर, क्यों नहीं, दोनों प्लेटफॉर्म पे मिला के जब 10 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जिसमें से 2-2.5 लाख अक्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स हैं, तो कहने में क्या जाता है कि इट विल बी अ ग्लोबल प्रीमियर। आज हम लोग इसकी शूटिंग शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा ये खुशी का मुद्दा है, फिर मुद्दे पर आता हूं कि यार ना मैं हिंदू का समर्थन करता हूं ना मुसलमान के विरोध में रहता हूं, मेरी लड़ाई सिर्फ नियत की है। तुम एक्ट ऑफ 1991 की दुहाई दे रहे थे, पहले सुनिए डिबेट में मैंने क्या कहा है। और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने वकालत के अनुभव से इस बात के बारे में कहा था कि पूरी संभावना है कि फैसला यही आएगा और मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट जो है वो रूल 711 को नहीं मानेगा, 91 के वर्शिप एक्ट को नहीं मानेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा था और आज के फैसले का मतलब क्या है? जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले देश को, सनातन धर्म को मानने वालों को, माता श्रृंगार गौरी के मानने वालों को, 5 बहनों को लाख लाख बधाई कि उनकी जो प्रार्थना थी उसको मेंटेनेबल माना गया है, और ये मैं इसको एक सकारात्मक फैसला मानता हूँ। अब आपने कहा कि आपको ये लग रहा था कि बहुत हद तक कि फैसला यही आएगा, नहीं सुशांत भाई, मुझे बहुत हद तक नहीं लग रहा था फैसला यही आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास था कि फैसला यही आएगा। मतलब 1% भी, 0.5% भी मेरे मन में डाउट नहीं था ये इतने दिनों में जब मैं बोलता था कि ये ही फैसला आएगा। देखिए, एक लड़ाई होती है नैतिकता की अनैतिकता से, यहां पर लड़ाई हो रही है नैतिकता की मूर्खता से, जिसको उर्दू में जाहिलता बोला जाता है, अंग्रेजी में इग्नोरेंस बोला जाता है। माता श्रृंगार गौरी का मतलब उनके मुद्दे से लेकर 1991 का एक्ट दूर दूर तक इसको अफेक्ट नहीं करता है, पर बदकिस्मती से
खास तौर से टीवी पे आने वाले प्रवक्ताओं को और हमारे अधिवक्ताओं को जो मुस्लिम पक्ष को मस्जिद पक्ष को रखते हैं, उन्होंने 1991 एक्ट को तोते की तरह रट लिया है और हर जगह ये बोलने लगते हैं। अभी कर्नाटका में ईदगाह ग्राउंड का मुद्दा जब आया कि 3 दिन की अस्थाई गणेश जी की मूर्ति वहां पर रख दी जाए, स्थापित कर दी जाए 3 दिन के लिए, तो उसमें भी कहने लगे 1991 एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। माता श्रृंगार गौरी का पूजा जो रोकी गई वो था एक्ट ऑफ 1991 का उल्लंघन। भाई जो रोकी गई, जो अलाउ की जाएगी वो नहीं है, क्योंकि 1947 के बाद राम जन्मभूमि मुद्दे को छोड़कर किसी और मुद्दे में किसी भी धार्मिक स्थान का स्वरूप नहीं बदला जा सकता था। लेकिन माता श्रृंगार गौरी के मंदिर का स्वरूप बेचारे हिंदुओं के लिए 1993 में बदल दिया गया। और स्वरूप बदलने का मतलब केवल यह नहीं होता कि वहां से मंदिर हटा के वहां मस्जिद बना दो। अगर किसी हिंदू को किसी देवी देवता के पे तुम माथा नहीं टेकने दोगे, पूजा नहीं करने दोगे, तो वो भी स्वरूप बदलना होगा। तो माता श्रृंगार गौरी के मंदिर में जो पूजा रोकी गई वो 1991 एक्ट का उल्लंघन था, ना कि जो अब आने वाले वक्त में अनुमति मिलेगी। अच्छा सुना साथियों, इससे खराब बदनीयति हमारी नहीं हो सकती कि ये लड़ाई फिलहाल मंदिर और मस्जिद की नहीं है, ये लड़ाई एक पूजा करने की अनुमति की है। और वो पूजा अगर 1947 से पहले बंद हो गई होती तब फिर भी एक्ट ऑफ 1991 यहां पर अट्रैक्ट होता। आप गंदी नियत, बदनीयती देखिए या बेवकूफी देखिए या जहालत देखिए, मूर्खता देखिए, इनकी अकलों पर कैसे पत्थर पड़े हैं कि जब एक्ट ऑफ 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो जिसका स्वरूप था वही रहेगा धार्मिक स्थल का, लेकिन क्या पूजा यहां 15 अगस्त 1947 से पहले खत्म हो गई थी? शर्म करो यार, शर्म करो। पूजा 1947 से होते होते 1993 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद खत्म करी गई थी। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, तो पूजा तो यहां 1947 से लेके 1993 तक हो रही थी। तो जाहिलों, तुम्हारे जाहिल वकील, तुम्हारे जाहिल एडवाइजर तुम्हें यार ये तक नहीं बता सकते कि इस पर एक्ट ऑफ 1991 लागू नहीं होगा, तुम्हारा जो ऑब्जेक्शन है वो ओवर रूल हो जाएगा और ये जो पिटीशन है ये मेंटेनेबल है, कि मुस्लिम पक्ष का जो अनैतिक, बदनीयती, खराब नजीर बनाने के लिए, गंदी सांप्रदायिक नजीर बनाने के लिए जो ये पिटीशन पड़ी थी, इसको रिलीफ ना मिलता और ना ही मिलना चाहिए था। हिंदू पक्ष अभी मंदिर और मस्जिद के लिए तो ज्ञानवापी पर लड़ ही नहीं रहा है, वो तो लड़ रहा था कि हमें पूजा की अनुमति दे दो, जहां 1993 तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद पूजा रोक दी गई थी। अगर आज फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाता और पूजा की अनुमति मिल जाती तो मातम बहुत जोर से होता, संविधान खतरे में पड़ जाता, सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत अच्छा है कि इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व हुई। ये लड़ाई हिंदू भाइयों कोटी से लड़ते रहो, वहां से आपको 100% रिलीफ मिलेगा। सीधे सीधे जो कल की जीत है इसका मंदिर मस्जिद पर सीधे सीधे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सामाजिक दृष्टि से पड़ेगा। मुझको तो ये तक लग रहा है कि जजमेंट देने से पहले ऑनरेबल कोर्ट जो सर्वे हुआ है अब उसको भी अपने जजमेंट का हिस्सा बना लेगा। और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है, अभी तो खैर पहला चरण है सत्य की जीत का और मूर्खता की, जाहलत की हार का। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इस सर्वे जो अभी हुआ था जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था, उसको भी इस ऑर्डर का हिस्सा बनाया जाएगा। और हिस्सा बनाने के बाद कोई इसमें बड़ा फैसला भी लाइक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह आ सकता है। और ये बात अब सिर्फ माता श्रृंगार गौरी के एक छोटे से स्थान के पूजा तक रुक कर नहीं रह जाएगी। सुनिए जाहिले आजम इस पर वही बात बोल रहा है जो शुरू में मैं डिबेट में समझा चुका था। यार ये कितने जाहिल हैं, ये कितने जोकर हैं,
इनके दिमाग पे, दिलों पे, इनके ईमान पर, इनकी नीयत पर जो कहने गलत होगा कि पत्थर पड़े हैं, गंदगी पड़ी है। सुनो क्या बोल रहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत से चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। सुना साथियों, कल साथियों हमारी कोर्ट में एक बात हो रही थी और एक हमारे छोटे भाई जो AIMIM से जुड़े हुए हैं, हमारे साथी चेंबर में वो अक्सर आके बैठते हैं, तो मैंने उनसे बोला कि आने वाले वक्त में तुम लोगों को मेरी विचारधारा माननी पड़ेगी, मेरी। हंसने लगे। मुसलमान की सबसे अच्छी बात ये, वो हर हालात में खुश रहता है। हंसने लगे। तो साहब मैंने उनसे तब तो नहीं कहा, अब जब मिलेंगे तो कह दूंगा, यार यही तो हकीकत है मुसलमानों, तुम मेरी ही तो विचारधारा मानते हो, अभी समझा दूंगा। फर्क ये है, मैं सीधी सीधी इज्जत की विचारधारा लेके चलता हूं और तुम घुमा कर जिल्लत की विचारधारा, लेकिन मिलते हम दोनों एक ही जगह हैं। बताऊं कैसे? ट्रिपल तलाक पर तुमने आखिर में मेरी विचारधारा मानी, टीवी पर खड़े होकर बोलते हो हमें अब फाइनली कोर्ट का फैसला मंजूर है। मैं सीधा सीधा जा रहा था, तुम जिल्लत खा के घूम के आए, लेकिन आए मेरे ही रास्ते पर, आए मेरी ही आइडियोलॉजी पर और आए मेरी ही छतरी के नीचे। 370 में मैंने बाबर कादरी से बोला था, 370 के आर्गुमेंट में, कि जिस दिन मेरी फौज अपनी औकात पर आ गई बाबर कादरी, तू अपनी घर की सीढ़ियों पर पांव नहीं रख पाएगा। क्या हुआ? मैं सीधा सीधा रास्ता बता रहा था कि 370 की जो तुम्हें प्रिविलेज मिली है उसका उल्लंघन, उसका वायलेशन ना करो, तुम जिल्लत उठा के घूम के फिर मेरे उसी रास्ते पर आए। राम मंदिर 20 साल पहले मैंने बोला था, वहां पर जहां पर राम लाला मौजूद हैं दुनिया धुरी पर उल्टी घूमने लगेगी, पर राम लाला वहां से हटेंगे नहीं, तुम मुकदमा जीतो या हारो। ये मैंने सीधे सीधे 20 साल पहले बोला था। मुसलमान जिल्लत उठा के घूम के वहीं आया, कहता है न्यायालय का फैसला मंजूर है। जो बताता हूं, हिजाब, हिजाब पर कल वीडियो बनाऊंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है, लताड़ लगा रहा है और पर बेशरम आर्ग्यू किए जा रहे हैं। कल इस पर वीडियो बनाऊंगा। अंत में जाकर हिजाब को लेकर भी मैंने सीधा सीधा इज्जत का रास्ता बताया था, तुम घूम के आके जिल्लत के बाद मेरी विचारधारा से जुड़ोगे। माता श्रृंगार गौरी की पूजा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें सीधा सीधा इज्जत का रास्ता बताया था कि यार साफ कह दो कि 1993 में गवर्नमेंट ने बंद किया था, गवर्नमेंट जाए खोल ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, पहले भी वहां पूजा होती थी 1993 तक, फिर होने लगेगी, यही गंगा जमुनी तहजीब है, वैसे तो गंगा भी हिंदू की है, जमुना भी हिंदू की है, अरब से हम कोई नदी लेके तो आए नहीं थे, आए तो भूखे नंगे थे, यहां आके हमारा नाम हो गया, कोई मुगल हो गया, कोई खिलजी हो गया, कोई तैमूर हो गया। तो भैया वहां पर भी मैंने कहा था सीधा सीधा मान लो, वहां पर भी लड़ने लगे, आखिर में यहां पर भी जिल्लत उठानी पड़ेगी। मैं सीधा सीधा रास्ता बताता हूं, तुम जिल्लत का घूम के रिश्ता लेके मुझसे आके जुड़ते हो, तो आइडियोलॉजी तो तुम मेरी ही मान रहे हो मुसलमानों। जब तुम कहते हो हमें यह फैसला कोर्ट का मंजूर है, अब हमें वो फैसला कोर्ट का मंजूर है, अब हमें वो फैसला कोर्ट का मंजूर है, अरे बदकिस्मतो, तुम्हारा भाई तुम्हें पहले ही समझा देता है कि कोर्ट मत जाओ। और यही चीज हुबली में हुई, समझा रहा था कि मैदान है, मैदान एक्ट ऑफ 1991 के अंडर नहीं आता है, गणेश जी की वहां पर अस्थाई पंडाल और पूर्ति और मूर्ति वहां पर स्थापित करने की परमिशन मिलेगी। लड़ते रहे, तुम लोगों का खाना लड़ाई से ही हजम होता है और आखिर में कहते हो कि लड़ना तो हमारा हक है, उस लड़ाई में जो तुम्हारी इज्जत जाती है और जो तुम्हारी जिल्लत होती है वो तुम्हें नजर नहीं आती है। तुम मुसलमानों, छतरी के तो तुम मेरे ही नीचे हो, भले मानो ना मानो, मैं सीधी छतरी खोलता हूं, तुम बारिश में भीगते हुए, कीचड़ में भीगते हुए घूम फिर के मेरी छतरी के नीचे आते हो और मेरी छतरी के नीचे आके खड़े होते हो और मुझे को गालियां देते हो। यही CNRC में समझा रहा था
कोई मुसलमान नहीं जेलों में भेजा जा रहा, कोई मुसलमान डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जा रहा। अभी ना एक्ट बना है, ना रूल बने हैं, ना कानून बना है, काहे मातम कर रहे हो। आज देख लो, 3 साल उठा के देख लो, अभी भी सरकार उस पर सोच रही है कि क्या कानून लेके आए कि किसी के साथ अनैतिक ना हो जाए। तो एक बार पुनः हिंदू भाइयों को, 5 महिलाओं को लाख लाख बधाई, जो और आने वाले वक्त में इस मुसलमान की ये दुआ है कि यार पूजा करने की तो मेरी हिंदू बहनों को और हिंदुओं को वहाँ इजाज़त दे दो। अजीब सी ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अपने ही देश में पूजा करने के लिए भी इसको कोर्ट में जाना पड़ता है। हिंदू भाइयों, सलाम है आपकी सहनशीलता को और सलाम है आपकी मूर्खता को। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।